माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? माशाल्लाह, हम तो ठीक ठाक हैं। रमज़ान मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू के पिन व्हील्स बनाने लगी हूं मैं। तो रमज़ान में तो ऐसी ऐसी माशाल्लाह हम लोग रेसिपियाँ बनाते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखनी होती है तो उसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हम आप इस तरह की आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकें और आप लोगों को हमारी वीडियो टाइम पे मिल जाए। अच्छा जी, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा मैदा। मैदा मैंने ले लिया एक बाउल में। माशाल्लाह जी, ये कप से 1.5 कप मैदा लिया मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लें, चाहे घी डाल लें, चाहे बटर डाल लें, जो भी आपके पास है वो डाल लें। तो कुकिंग ऑयल डाल के इसको मैंने हाथ के साथ अच्छी तरह मसल कर लेना है, ताकि ये जो मैंने ऑयल डाला है ये आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मिक्स करके इसमें फिर मैंने ना थोड़ा सा डालना है इसमें नमक। नमक मैंने डाल लिया है। अब मैं इसके लिए इसको भी इसमें मिक्स करूँगी। इसके लिए मैंने किया थोड़ा सा पानी गरम, क्योंकि ये ठंडे पानी से मैंने नहीं डो बनानी। गरम पानी से डो बनाने से ना ये हमारी अच्छी तरह बन जाती। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल लिया ऑयल। तो इसको मैंने अच्छी तरह आटे में मिक्स करना है। क्यों ऑयल मिक्स कर लेना आटे में, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर ना डो हमारी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने जो पानी गर्म किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो मैं पानी अब साथ साथ डालूंगी। ये देखें जी, ये पानी मैंने थोड़ा सा गर्म किया था। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक दफ़ा ही नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इसी तरह हमने इसकी डो बनानी है। यानी कि डो बना के इसमें ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये देखें जी, मैं इसकी डो बना रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह इसकी डो बना लूँगी। डो बना के इसको मैंने अच्छी तरह इसका पेड़ा बना लिया। तो पेड़ा बना के इसको मैंने 15 मिनट के लिए रखना है। ये देखें जी, ये 15 मिनट के लिए मैंने रख देना है। इसको किसी टिफ़न में डाल के या ऊपर प्लेट दे दें, या ढक्कन दे दें, या प्लास्टिक शीट लगा दें, जो भी लगा सकते हो। अब ये जी मैंने ले लिए हैं 4-5 आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो ये मैं इनको ना इनका बना लूँगी। तो आलू मैंने अच्छी तरह करने हैं मैश। तो ये मैं मैशर के साथ कर रही हूँ मैश, और मेरे से इससे सही होते नहीं, पर मैं कर लेती हूँ। बच्चों की डांट, बच्चे मुझे डांटते हैं, मम्मा जी इस तरह करें किया करो। अब मैंने डाल दिया इसमें सुरख मिर्च, आप दादर मिर्च भी डाल सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा डाला नमक हसबे ज़रूरत। तो अब डालूँगी इसमें मैं गरम काली मिर्च, गरम मसाला। इसमें मैंने सारे मसाले डालने हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डाला है, धनिया साबत भी डाल सकते हैं और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया डाल के फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अब मैं इसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स कर हाथ के साथ। अब मैं करूँगी हाथ के साथ मिक्स, हाथ के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखना ज़रा, थोड़ा सा मैंने डाला धनिया, सब्ज़ मिर्चें, तो आप लोग प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज नहीं डाला क्योंकि मोइज़ कह रहा था मम्मा जी प्याज ना डालें, मैंने नहीं खाना, तो मैंने प्याज स्किप कर दिया। आप लोग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। हल्दी से ना कलर अच्छा आ जाता है। अगर हल्दी नहीं डालनी तो आप फूड कलर भी डाल सकते हो। तो मैंने हल्दी डाल ली है। हल्दी डाल के ये देखिए मेरी बड़ी अच्छी सी पीठी बन गई है, जिसको हम मिक्सर कहते हैं। तो इस को मैंने बना लिया। बना के अब मैं इसकी ज़रा ना ये देखिए, जो छोटे छोटे आलू हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, उसको भी अच्छी तरह ना मैश कर लेना। तो मैश करके ये देखे, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे हाथ के साथ करने का ना। तो मैंने ये अच्छी तरह बना के अब मैं इसको रख दूंगी साइड पे। अब मैं लूँगी चकला बेलना अपना, ले लूँगी लेके। उसमें मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा आटा और डाल दिया। ये जो मैंने डो बनाई है इसके मैं बनाऊँगी पेड़ा। तो ये पेड़ा जो है ना, ये बड़ा पेड़ा था। अब मैं इसके करूँगी 2 पेड़े। तो बड़ा, क्योंकि चकला बेलना छोटा है तो इस पे बड़ी रोटी नहीं बन सकती, छोटी, या बड़ी भी बना सकते हो अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है। तो मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए हैं, ताकि मैंने रोटी बनानी है इसके। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़े प्यारे 2 पेड़े बन गए हैं। अब मैं ना एक पेड़े की रोटी बना लूँगी। ये देखें जी, थोड़ा सा नीचे आप आटा ज़रूर लगा लेना। ये देखें जी, मैं रोटी बेल लेती हूँ इसकी।
सूखा आटा मैंने लगा लिया और रोटी बड़ी मज़े की बन गई है। देखिए रोटी वैसी बनानी है जैसे हम ना रोटी खाने वाली बनाते हैं, ना ज़्यादा मोटी ना बारीक। तो ये माशाल्लाह देखिए कितनी गोल और प्यारी रोटी बन गई। अब मैं ना ये जो मैंने एक बाउल में थोड़ा सा हाफ कप मैदा लिया ना, इसका भी कुछ बनाना है तो वो मैं बनाती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर मैंने इसका क्या बनाना है। अब मैंने ये जो बनाई हुई है ना स्टफिंग, इसको रोटी के ऊपर मैं ये जो बनाई थी पीठी, इसको अच्छी तरह मैं लगा लूँगी। ये देखें जी बिल्कुल बारीक बारीक इसकी तह लगा लेनी है पूरी रोटी पे। हाफ मैं इस पे लगा लूँगी, हाफ मैं दूसरी रोटी पे लगा लूँगी, क्योंकि मैंने आपके सामने थोड़ी सी बनाई है। तो ये देखें माशाल्लाह जी, इसके अंदर जो मैदा मैंने रखा था ना, इसमें मैं थोड़ा सा डाला मैंने पानी, पानी डाल के ना इसका मैंने लिक्विड बना लेना है, यानी कि लेवी टाइप जो होता है, इसको इसके साथ कवर करना है। ये देखें पूरी रोटी के साथ, रोटी के ऊपर मैंने ये इसकी स्टफिंग लगा दी है। तो अब मैं इसको ना ये देखें इस तरह बेल लूँगी, मैं फोल्ड कर लूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह, इसी तरह आप लोगों ने भी फोल्ड कर लेना है इसका। यहाँ पे मैंने लगा लेनी है ये जो लिक्विड रखी हुई है, ये लगा के। तो अब ये देखें जी माशाल्लाह, हमारी एक रोल की तरह बन गया है, लंबा सा रोल पेड़े का। अब मैं ये छुरी के साथ इसको छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, काट लूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह, इतने इतने साइज़ के आप बना लें, बड़े बना लें छोटे बना लें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देखिए जी मैंने यही उठा लिया है, तो इसको इस तरह हाथ के साथ हमने प्रेस कर देना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा समोसा बन गया। तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमारी माशाल्लाह रेसिपी बड़ी अच्छी बनेगी ये। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और मैंने आज ना मसाले बहुत कम डाले हैं, क्योंकि रोज़े हैं तो रोज़े में ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए और स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। तो आज मैंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है, तो अगर आप लोग ज़्यादा मसाले डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये देखिए जी मैंने इस तरह माशाल्लाह सारी एक रोटी के मैंने बना ली है। अब मैं दूसरी रोटी का भी बना लूँगी, तो वो मैं इसी तरह वो मैं दूसरी रोटी के भी बना लूँगी। ये मैंने माशाल्लाह ऊपर रख दिया फ्राई पैन, फ्राई पैन में मैंने डाल दिया घी, ऑयल डाल लें, घी डाल लें, ये आप लोगों की च्वाइस है, मैंने तो घी डाला है। तो घी को मैंने हल्का हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म घी में डालेंगे ये तो ये फ़ौरन ही ब्राउन हो जाएंगे, हमने इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। तो ये जो मैंने सारे बना लिए हैं, ये मैं अब ना इस, ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने सारे बना के इसी तरह रख लिए हैं। अच्छा बनाने का ना मज़ा बड़ा आ रहा था, छोटे छोटे पेड़े थे और जब हम काट के हाथ के साथ एक दफ़ा ही पुश करने से ना बड़ा अच्छा बन जाता है। ये जो मैंने अब बना ली है ना इसकी लिक्विड लेवी, ये मैं एक उठाऊंगी, इसमें डिप करूंगी, डिप अच्छी तरह डिप कर लेना दोनों साइडें डिप करके। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने डाल दिया ऑयल में, तो ये इसी तरह मैं ऑयल में सारे जो मैंने बनाए हैं, जितने मैंने फ्राई करने हैं मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं अपना फ्रीज़ कर दूँगी। ज़ाहरी बात इतने तो हम नहीं ना खा सकते। तो ये देखें जी मैंने इसी तरह डालने शुरू कर दी है सारी लेवी वो लगा के दोनों साइडों से। आप पतली, इतनी पतली भी वो लेवी नहीं बनानी और इतनी संघनी भी नहीं बनानी, जो अच्छी तरह लग जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे। अच्छा डालते डालते ही ना इनके कलर चेंज होना शुरू हो जाता है इनका, और बड़ा मज़ा आ रहा है बनाने का, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग भी बनाइएगा, बड़ा मज़ा आता है, और बना के खाइएगा। बाहर से समोसे जो लेके आते हैं हमें नहीं पता वो कौन से ऑयल में बनाते हैं, कौन से आलू भी मतलब वॉश करते हैं कि नहीं करते, इसी तरह बच्चों को घर बना दिया करें। मैं तो पूरा रमज़ान इसी तरह ही करती हूँ माशाल्लाह। देख लें इनका कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये जी मैंने साइड चेंज कर दी है और मेरा रोज़ा है, अब मेरा दिल कर रहा है भी मैं अभी इनको ना खाऊं और देखूं कैसे बने हैं। तो हम लोग रोज़ा जब खोलेंगे इफ्तारी के टाइम ट्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। आप लोग और ज़्यादा लाइट भी रख सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, मैं तो ये वाला कलर मैंने रखा है, मुझे यही अच्छा लगता है, लाइट सा ब्राउन, यानी कि गोल्डन गोल्डन कलर, ब्राउन तो नहीं मैं कह सकती, लाइट गोल्डन कलर है। ये देखिए माशाल्लाह जी कितना अच्छा कलर आ गया और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो सच्ची में रोज़ा है, मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है अभी खा ले। तो ये जी मैंने सारे निकाल लिए हैं इसी तरह मैंने सारे निकाल लिए हैं। ये इसी में निकाल के अपना अच्छी तरह इनका घी यहाँ पे फ्राई पैन में ही निकल गया सारा। अब मैं इनको रख दूँगी प्लेट में, और जो बचे हैं वो मैं एक प्लेट में रख के थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया प्लेट में, तो ये मैं रख दूँगी अपना फ्रीज़र में, जब दिल करे निकाल के हम लोग खा लें फ्राई करके। ये देखें जी ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, मैंने बना के रख लिया। साथ मैंने
दही के अंदर डाली है चटनी धनिए और पुदीने की, साथ मैंने केचप रख दी है। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर बताना। माशाल्लाह जी, आप लोगों के प्यार की मोहब्बत की ज़रूरत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।